बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कबल, आप देख रहे हैं चीकुटा कराची। आए रोज़ की पथारों के ख़िलाफ़ और इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई आप सुनते भी रहते होंगे और हमारे प्रोग्राम में तो आप अक्सर वही देखते भी होंगे, आप हमारी न्यूज़ में मुसलसल इसकी अपडेट देखते रहते होंगे। अब मसला ये है कि इंक्रोचमेंट की वजह से कौन कौन से मसाइल पैदा होते हैं। इंक्रोचमेंट की वजह से सीधा सीधा आपका निज़ाम जो है वो धर्म भरा होकर रह जाता है। आपका ट्रैफिक का निज़ाम, आपका अगर आप किसी जगह से जा रहे हैं, जगह खुली हुई है लेकिन अगर आपकी इंक्रोचमेंट है तो आप उस इलाके उस जगह से आप आराम से नहीं निकल सकते हैं, चाहे आप पैदल ही क्यों ना हो। तो ऐसे में बड़े एक हम देखते हैं कि अक्सर व बेशतर बड़े ही हम लोगों को दिलखराश मनाजिर उस वक्त देखने को मिलते हैं कि जब एक दूसरे से गुथम गुथा लोग हो रहे होते हैं और हम लोगों का मिजाज भी, सच्ची बात यह है कि कुछ मामलात की वजह से, निज़ामत की नकाइस की वजह से कुछ हमारे मिजाज में भी बहुत ज़्यादा तलखी आ चुकी है। शायद उसकी कुछ वजूहत ये भी हैं। ये तो एक अलग तरफ, बिल्कुल एक अलग मामला, हकीकत है लेकिन अलग मामला। अगर आपकी कोई छोटी गाड़ी है, अगर किसी जगह से निकलने में उसको भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इवन कि आपकी मोटरसाइकिल को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वहाँ से निकलने के लिए, तो उसका मतलब यह है कि उसकी सीधी सीधी वजह है इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट ऐसा मामला है कि इस पर अक्सर बेशतर हम आवाज़ तो उठाते हैं लेकिन हमारा एक सवाल एक अरसा दराज से हम उठाते आ रहे हैं, उसका अभी तक हमें जवाब नहीं मिला, उसके ऊपर किसी ने सीरियस सोचा ही नहीं है। और ये काम है जो अपर लेवल है निज़ामत को संभालने वाले लोगों का, उनका, उनके कानों तक हम आवाज़ पहुँचाते हैं कि भाई अच्छा तो ये है कि आप उनको कोई अलग जगह दे दें, हदूदों कई उनको उनकी जो है वो बता दें ताकि गरीब का रोज़गार भी चलता रहे और बाकी जितनी एनर्जी जो KMC को दरकार होती है फ्यूलिंग की, मैन पावर की, और वहाँ पे जाके जो एक रिटेलिएशन उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है वो अलग से, इस वजह से लाख दर्जे बेहतर है कि आप किसी जगह उनको अलग वो कर दें या कोई एटलीस्ट को उसका लाहे अमल जो है वो वजह कर दिया जाए मुनासिब तरीके से। लेकिन बहरहाल कार्रवाई बहुत ज़रूरी हुई है, अगर आपको शहर का निज़ाम बेहतर बनाना है तो ये कार्रवाई ज़रूरी भी बहुत है। अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, आप KMC का ये पूरा एक डाला आप देख रहे हैं जो अभी निकलने वाला है यहाँ से और शाहराए कायदीन से और मुख्तलिफ जगहों से, उसी जगह के जहाँ जहाँ पर ऐसे केबल जो कि 3 फुट से ज़्यादा आगे बाहर निकले हुए हैं उनके खिलाफ होने जा रही है कार्रवाई। देखते हैं कि जो अफसरान यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो अमला कार्रवाई कर रहा है उनका क्या मौकफ़ है, और जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और आवाम है उनका क्या मौकफ़ है। इस प्रोग्राम में ये जो अभी आप थोड़ी देर पहले जिसको अभी आप देखने के लिए थोड़ी देर बाद जाएंगे, याद रखिएगा कि हम एक ऐसा प्रोग्राम आपके सामने पेश करने के लिए जा रहे हैं जहाँ पे हम किसी को फेवर नहीं कर रहे, किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम आपके सामने जो स्याह और सफ़ेद है वो सामने आपके रख रहे हैं। फैसला करना अब आपका और हुक्काम बाला का काम है, मेरे साथ चलिए। तो जनाब ये जो कराची का जिसे कहते हैं ना कि एक दिल और ऐसा एक पॉइंट जहाँ पर आपका और मेरा जब भी आना होता है तो इसकी वजह से कितनी मुश्किल होती है यहाँ पर आने में, और मुतादित बार मुसलसल वार्निंग्स देने के बावजूद प्यार से हर तरीके से ये मसला किसी सूरत में ख़त्म नहीं हो रहा था। अभी ये देखिए कि ये जो बाहर निकले हुए ये जो ठेले थे ये KMC की गाड़ियों में जा रहे हैं यहाँ पर। अगर पर्सनली आप मुझसे पूछें तो ये मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है जब मैं किसी ऐसे प्रोग्राम को मुरतब करती हूँ जिसमें मुझे एक तरफ गरीब की आस सुनाई दे रही होती है तो दूसरी तरफ निज़ामत की एक जो नुक्स होता है वो भी उन्हीं की वजह से हो रहा होता है, तो किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए। शकील शेख साहब, कार्रवाई बड़ा तकाजा कर रही थी इस जगह की कि भाई कार्रवाई की जाए, बिलाखिर ये कार्रवाई हो गई। मुश्किल पेश आ रही है कार्रवाई करने में, क्योंकि जाहिर है कि मैं रश जिस तरह देख रही हूँ तो यकीनन आपको रिटेलिएशन का भी सामना करना पड़ रहा होगा आवाम की तरफ से। बिल्कुल, आवाम जो है वो इस टाइम फ़ौरन से मैं कैमरे निकाल के शुरू हो जाती हैं, ये आप लोगों का काम पहले आवाम कर रही होती है कि हम इनकी मूवियाँ बनाएं, लेकिन हम तो लीगल, हमें तो ऊपर से हिदायत है कि इंक्रोचमेंट क्लियर करनी है, कराची को साफ़ करना है, कराची को बेहतर बनाना है, तो उस हवाले से काम हो रहा है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स पैदा हो रही है, तो इस चक्कर में ये काम किया जा रहा है। अच्छा शकील साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि ये बड़ी बड़ी ऐसे पकवान सेंटर है और जो पकवान सेंटर है उन्होंने अपने ही बंदे बाहर सुना है कि निकाल के उन्होंने किसी को बर्गर जो है वो लगवा दिया ठेला, मतलब अपनी अपनी मंशा से, आप ये कह लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, इज़ दैट ट्रू? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये बाहर अपने काउंटर लगवाते हैं और उसका उससे मंथली रेंट भी ले रहे हैं, ये जब हम उनको उठाते हैं तो कहते हैं हमें दुकान वाले ने लगवाया, दुकान वाला खुद आधे से ज़्यादा बाहर होता है, उसने काउंटर भी एक एक्स्ट्रा लगवाया हुआ होता है, ये इन्होंने अपनी जागीर समझी हुई है जगह। अच्छा, इससे पहले शकील कई दफ़ा ऐसी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, मैं कवर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ अरसे के बाद दोबारा से वही मामला दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, सिलसिला वहीं से जहाँ से टूटता है वहाँ से दोबारा शुरू हो जाता है, तो कार्रवाई का फिर क्या फ़ायदा होता है? नहीं, कार्रवाई का बिल्कुल फ़ायदा होता है, हम ये इनसे एफिडेविट लेते हैं, एक दफ़ा फर्स्ट टाइम इनको वॉन्ट करते हैं, एफिडेविट चलान होता है इनका, बाकायदा हल्फिया लिखा जाता है, अदरवाइज ये दोबारा जब करते
हैं तो सेकंड टाइम में इनका सामान जब्त कर लिया जाता है। जब ये फर्स्ट टाइम उठते हैं तो उनका एफिडेविट देते हैं अल्फिया लिखकर, उसके बाद अगर दो सेकंड टाइम दोबारा करते हैं तो उनको जब्त कर देते हैं। फिर अच्छा, अब ये जा रहे हैं, मैंने भी पीछे देखा है कि आप लोगों का वो जो है वो पूरा का पूरा उस पर जा रहा है, जिसमें कोई वो बर्गर का जो है वो ठेला है उसका वो जो पूरा उसका केबन है, इनफैक्ट वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दो तीन केबन मैंने देख लिए उसके ऊपर, अब ये केबन आप लेकर जाएंगे अपने जो केएमसी का जो मुतालिका आपका जो आपका पॉइंट वहाँ तक लेके जाएंगे, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा? इसका प्रोसेस ये है कि जब ये केबिन उठेगा तो उसके बाद ये जो भी इसका लेने वाला जो आएगा उससे हम पहले तो मना ही करेंगे, सीनियर डायरेक्टर साहब की हिदायत है कि सामान बिल्कुल नहीं देना है। अगर उधर से कोई बात होती है या हल्फनामा देता है कि दोबारा मैं इधर नहीं लगाऊंगा तो उसके बाद पे कोई जो कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी। शकील ये बताइएगा कि चले ठीक है सही है, ये आपने कार्रवाई कर ली, अब जाहिर है कि एक आदमी ने अपना रोजगार तो कमाना है, अगर उसने बर्गर लगाना है तो वो लगाएगा कहीं ना कहीं तो लगाएगा, कोई मखसूस कोई जगह दी जा रही है या फिर आप उनको कोई हदूद कयूद का पाबंद बना रहे हैं कि भाई इस हद से बाहर नहीं निकलना? नहीं, इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं है कि इनको कोई जगह दी जाए या इनको मखसूस किया जाए, क्योंकि ये ट्रैफिक का सबसे जाम होने का सबसे बड़ा बाइस है कि ये कॉर्नर्स घेर लेते हैं और रक्षे वाले आके सब कर लोगे आधे से ज्यादा गली बंद कर देते हैं। तो अभी अल्टरनेट क्या है, जाहिर है कि उसका भी तो रोजगार है ना, अगर हम अगर उससे बात करते हैं तो उसकी बिल्कुल एक दर्दनाक कहानी हमें एक और सुनने को मिलती है। अब इसका कोई अल्टरनेट बताया गया है कि भाई ठीक है सही है आप उनको अलग जगह ना दें, लेकिन कोई मखसूस कोई ऐसा पॉइंट बता दें कि भाई इस हद से आगे ना निकले, तो कोई इस तरह का कोई है? नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते, ये तो फिर सीनियर अफसरान के उस पर है कि वो कोई अगर जगह पॉइंट आप कर दें तो वो कर सकें, अदरवाइज हमारे को ये इजाज़त नहीं है। ठीक है सही है। तो अभी ये एक शराय कायदीन ये तो हो रही है और बड़ा मैं कह रही हूँ कि बार बार के बहुत बड़ा एक तकाजा आ रहा था और ज़रूरत महसूस की जा रही थी वो हो गया जी। लेकिन अभी आप मुझे बताएं कि और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको अभी जाना है? अभी शराय कायदीन का ऑपोजिट सामने वाला रोड भी करना है, इधर नूरानी कबाब वाला रोड भी करना है, बिल्कुल इनकी सारी बहुत सारे कंप्लेंट्स थी तो इनको ज़रूरी है पहले क्लियर करना। ठीक है, इस दौरान में अगर पब्लिक की तरफ से कोई रिएक्शन होता है तो उसको हैंडल करने के लिए आपके पास कोई सिक्योरिटी है? जी बिल्कुल, हमने यहाँ पे थाने में इन्फॉर्म कर चुके हैं और मोबाइल किसी भी टाइम यहाँ हमारे से रब्ता कर लेगी और साथ चलेगी इंशाल्लाह। यानी कि एक सरकारी अफसर को भी ज़रूरत पड़ जाती है सरकारी मशीनरी की और सरकारी सिक्योरिटी की, ये सही बात है, कराची ऐसा शहर है? बिल्कुल बिल्कुल पड़ जाती है क्योंकि आवाम का रद्दमल एकदम सामने आ जाता है तो ज़रूरी है। अच्छा अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि अब तक जो है कार्रवाई के नतीजे में कितने तकरीबन केबन उठाए जा चुके हैं? अभी तक तीन काउंटर्स उठाए जा चुके हैं अभी तक और मुख्तलिफ जगहों से कार्रवाई मुसलसल जारी है। जी तो आपने ये देखा है कि शाहराए कायदीन पे जब आप आते हैं, मैं तो तकरीबन हर कुछ दिन के बाद दो दिन के बाद मेरा चक्कर लाजमी यहाँ पे लगता है, आप यकीन करें कि शाम के वक्त में आप यहाँ से निकल नहीं सकते, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि वॉट नेक्स्ट? ये तो अभी केबन चले जाएंगे, केबन फिर एक प्रोसेस के तहत, अभी तो फिलहाल वो कह रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर साहब के ऊपर से हमें सख्त अहकाम हमें दिए गए हैं कि केबन वापस फिलहाल तो नहीं करने, और अगर देने भी हैं तो एक ख़ास प्रोसेस के तहत जो है वो उनको हैंड ओवर करने। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोबारा ये दोबारा यहाँ पर आके ना अपना केबन लगा सकें और इनका रोज़गार भी चल सके, इसके लिए अभी तक जो है वो ऊपर से नीचे तक जो है वो हमें कोई मुनासिब जवाब नहीं मिल सका। हम खुद नाराज़ हैं कि इसके बाद क्या होगा, इन्होंने अपनी कार्रवाई कर ली, इसके बाद के क्या जो है वो अहकाम दिए जाते हैं वो अभी देखना है कि अहकाम आते हैं या नहीं आते हैं। अभी कुछ दिन तक तो कम से कम यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे, इसके बाद यकीनी तौर पे आपको दोबारा से हो सकता है कि आपको पता है कि अभी आप यहाँ पे करवा के जा रहे हैं, लेकिन अगर 10 दिन के बाद दोबारा से यहाँ पे आपको यही रौनक नज़र आई तो है क्या होगा? ये सामान जब्त होंगे इंशाल्लाह ताला, इनके फिर दोबारा नहीं दिए जाएंगे, यानी कि दोबारा जब जब्त होंगे तो वो दोबारा नहीं दिए जाएंगे एक दो बिल्कुल। तो कहा जा रहा है कि भाई अब दोबारा जो सामान अगर इनका जब्त किया गया खिलाफ वर्जी पर तो वो वापस नहीं किया जाएगा, ऑल्टरनेट जगह दीजिए इनको ताकि इनका रोज़गार भी चलता रहे, दो तरफ की हमें जो है वो बात सुननी पड़ती है। तो उनका भी ये जो अब जिनके उठाए जा रहे हैं, जाहिर है कि वो भी तो रोटी कमाएंगे, एक अलग जगह इनकी मेरे ख्याल में मुख्तस करनी चाहिए। हम हर दफ़ा ये जब ऐसा प्रोग्राम करते हैं तो हमारा एक मुतालबा होता है कि ठीक है सही है बिल्कुल ये कार्रवाई होनी चाहिए हक बजाने में, लेकिन इनको फिर कोई ऑल्टरनेट जगह भी इनका इंतजाम करना चाहिए, जाहिर है कि उनको भी रोटी कमानी है। अब देखते हैं ज़रा आम आवाम का रिएक्शन क्या आ रहा है, ज़रा वो भी देख लेते हैं, ज़रा लगते हाथ ज़रा आवाम से भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हो रहा है कार्रवाई उससे वो खुश हैं या ना खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, ये केबल वगैरह जो उठाए गए हैं कार्रवाई हो रही है केएमसी की जानिब से, सही हो रही है या गलत हो रही है? जैसे हालात चल रहे हैं यहाँ बंदे भूख मर रहे हैं, रोजी करने के लिए हर बंदा वसीला करता है, क्या करें हम कहाँ जाएं? तो ये मुझे बताइएगा कि इसका मतलब ये कि आप कार्रवाई से खुश नहीं हैं? कार्रवाई गरीब आदमी पेट को देखे कार्रवाई को देखे, क्या करें? सही है।
आप क्या कहेंगे सर? ये 3 फीट के अंदर है जी, 3 फीट के अंदर है, इसको उठाया जो नजायज उठाया। नजायज नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें सख्ती से अहकाम आए हैं, तो अगर 3 फुट पे आप कह रहे हैं, तो आपने जब इनसे ये बात कही है तो उन्होंने क्या कहा है? बोले MD आया हुआ, अफसर आया हुआ। नहीं, अफसर साहब से तो हमने बात की है ना, वो ये कह रहे हैं कि देखें इसकी वजह से ट्रैफिक के बड़े मामूलात बड़े ख़राब हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है। आप मानते हैं इस बात को, ट्रैफिक जाम हो रहा है? ट्रैफिक तो जाम होता ही है, जब सर्विस ना हो तो ट्रैफिक जाम हो। थोड़ी जाम हो रहा है, साइड में थोड़ी हो रहा है, यहाँ एक साइड पर काउंटर पड़े हुए हैं, 3 फुट का अलाव है, हमारे काउंटर 3 फुट के अंदर है, अंदर है, नाजायज है। अभी हमें धक्का देंगे, पैसे लेंगे, क्या फायदा है? मेहरबानी करो, उतार के दे दो। आपका किस चीज़ का ठेला था? सॉरी, वो ठेला कह रही हूँ, केबन किस चीज़ का? हमारा ठेले ये रोटी का वो है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये तंदूर तो अंदर भी है ना, तो बाहर कैसे निकला हुआ है? अभी ये दुनिया ने लगा रखा है, ये 3 फुट का लाव है, तो इसलिए हमने लगा रखा है। ठीक है, तो अभी तो वो लेके जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी तो हम वापस शरायत की बुनियाद पे करेंगे, और अगर उसके बाद कार्रवाई होती है और फिर उसमें दोबारा से ये निकलते हैं, फिर उसके बाद वापस नहीं किए जाएंगे, सख्त तरीन कार्रवाई का उन्होंने कहा है। तो अभी आपने क्या सोचा? हमारे पहले इतला देनी चाहिए भाई, ऐसा कानून आ रहा है, हम एक सेट पे उधर लगा लेते, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा था। अभी मजबूर लोग हैं, तो अभी 90,000 किराया भी भरें, ये फटीके भी करें, आटा भी महंगा है, फिर यही बात है, तो इन्हों की मर्जी की बात है, अफसरान की, क्या कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया ना कि बाहर अभी तो किसी तरीके से आपका वो मिल जाएगा। इतला देनी चाहिए, पहले बता देना चाहिए भाई ये सख्ती हो रही है, ये चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए। हम अपना सोच समझ के रखते, एक साइड पे रखते, अभी हमें फटीक डाल लें खा मखा की। अच्छा, ये बताएं कि अब आपको पता चल गया है जी, अब आप हमें वापस कर दो, हमारा सामान वापस कर दो, हम अपना साइड में लगाएंगे। वो एक एफिडेविट, एक पेपर साइन करवाएंगे, एफिडेविट जिसे कहा जाता है, वो साइन करवाएंगे आपसे, और आपको आपका ठेला फिलहाल वापस मिल जाएगा। लेकिन फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये फिर आपके ऊपर है, या फिर आप इसको अंदर अगर रखेंगे तब फिर आपका नहीं उठाया जाएगा। लेकिन ये बात पहले उनके साथ आप कन्फर्म कर लें, क्योंकि 3 फुट का जो है वो उनको अभी भी अगर आप कह रहे हैं ना, तो ये आप अंदर कर लें, ताकि आपके भी लिए आसानी हो और लोगों के लिए भी आसानी। हम किसी को ना परेशान करते हैं, ऑफिसर को उनको बोलो मेहरबानी करो, गरीब लोग हैं हम, हमें जो है ना अभी मोहलत कर दो, वापस कर दो क्वांटर हमारे, आइंदा के लिए इंशाल्लाह। लेकिन वो एक तरीक़ेकार के तहत आपको मिलेंगे, जाहिर है कि हर चीज़ का एक होता है ना तरीका होता है, एक तरीक़ेकार होता है, तो ऐसे में आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको एक साइन करना होगा जिसमें आप हल्फ लेंगे कि मैं आप दोबारा से मेरी तरफ से ऐसी कोई वो कोताही नहीं होगी, और मैं अंदर इसको अपना ये केबन अंदर रखूँगा, ताकि लोगों के लिए मसला ना हो। आप आराम से यहाँ पर कीजिएगा काम, और उसके बाद कोई कार्रवाई उम्मीद है और यकीन है मुझे कि नहीं होगी। अगर फिर भी कोई कार्रवाई होती है, अगर आप सब जो उसके वो जो फॉलो कर लेते हैं, अव्वल तो होगी नहीं, अगर होती है तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, आप कभी भी आवाज़ देंगे हम हाजिर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि कार्रवाई काफ़ी दिन से जो था वो ये यहाँ पर तकाजा किया जा रहा था, और ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि यहाँ पर ट्रैफिक के जो मसाइल हैं उसकी वजह से ये जो बाहर की साइड पर केबल निकले हुई हैं उनको अंदर किया जाए या इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हम यहाँ पर आए हैं, कार्रवाई हो रही है, लेकिन साथ में जहाँ पर कार्रवाई को हम बड़े सताइशी नज़र से देख रहे हैं, वहाँ पे एक परसेप्शन इन लोगों का भी आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो हमें बताया नहीं गया था, और हम अंदर कर लेते अगर हमें पहले से बताया जाता। तो क्या जहाँ तक मेरा मेरे इल्म है तो बताया जा चुका था, क्योंकि जाहिर है कि वो तशहीरी मुहिम के तहत वैसे भी आकर हमें। तो ये है, ये कैसे होगी कार्रवाई? ये सब ड्रामा है, यहाँ कोई पहली दफ़ा ये कार्रवाई नहीं हुई है, इससे पहले कोई 50,000 दफ़ा ये रेड्स होती हैं, हैं अभी ये लोग जाएंगे, उसके बाद यहाँ पूरे इस पट्टे में यहाँ से लेके वहाँ तक आप चले जाएँ, आपको कुर्सियाँ टेबल हर चीज़ पूरा आधा रोड गाड़ियों ने घेरा हुआ होता है, और उसके बाद ये लोग भीट लेने आते हैं यहाँ पर, यही लोग पैसे लेके जाते हैं सारे आके, ये अभी लेके गए, ये अभी पैसे लेंगे या छोड़ देंगे उसके, आप छोड़ दें, आप मेरी बात सुन लें, अभी आप 1 घंटे के बाद आइएगा, दोबारा विजिट करिएगा, आप अंदाज़ा लगा लिएगा उधर से लेके इधर तक रोड का क्या हाल है,
क्या पोजीशन है, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है इस रोड का, क्या ये लोग पैसे लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि आपको इस कार्रवाई पे ज्यादा यकीन नहीं है? कोई यकीन नहीं है, ये कोई पहली बार थोड़ी हुई है। अगर ये पहली बार हुई होती तो हम मानते हैं आपकी बात। ये तो मामूल के मुताबिक हर 15 दिन में एक दफा जब इनको पैसे लेने होते हैं ये कार्रवाई हो जाती है। चले, आपके कहने के ऊपर मैं दोबारा 1 घंटे के बाद आके दोबारा चक्कर लगा घंटा। अगर वाकई आपको कार्रवाई करनी है तो शाम 7 बजे आइएगा। कार्रवाई तो मैं सिर्फ कवर कर रही हूँ, कार्रवाई तो वो लोग कर रहे हैं। आपको कवर करना है ना तो आप शाम 7 बजे आइएगा इस पूरे रोड पे। फिर आप सब जगह का हाल यही है, सब जगह ऐसे ही है पूरी कराची में। अगर इसका मैगजीन तैयार किया जाए, मैं माइंड नहीं कर रहा, मैं आपको देता हूँ 1 लाख रुपए हर महीने के आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपने पेट पर कभी भी कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, सही है ना? क्यों, आपको पता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए आ रहा है जेब में, मैं उसका क्यों क्या ना मैं नुकसान करूँ? आप कभी नहीं करेंगे। मैडम 6 साल से ये रोड टूटा हुआ, आज तक किसी को तो ख्याल नहीं आया इसका बनाने का। मेन शहर मेरी इसके में 62 साल इतनी बड़ी बड़ी, मैं एक बेस्टियर ट्रांसपोर्टर था, ठीक है। मैं सब कुछ, मैं आगे जाके कार्रवाई जरा आपके कहने पे मैं दोबारा देख रही हूँ, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। लोगों का मौकिफ कुछ और, आवाम का कुछ और, मुतासरीन का कुछ और जो यहाँ कार्रवाई करने के लिए KMC की पूरी टीम आई है, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब का और उनकी टीम का, उनका मौकिफ कुछ और। देखते हैं प्रोग्राम के आखिर जो अगले हिस्से में हम देखते हैं कि कार्रवाई जो है वो किस नहज तक पहुँच रही है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। KMC के ऑफिस में हम लोग आ चुके हैं। एक चीज आपको बहुत जरूरी दिखानी है, वो ये कि जब भी ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो उसके बाद जब हम लोगों के पास जाते हैं तो एक उनका इशू आता है, वो ये आता है कि इतने बुरे तरीके से बेदर्दी के साथ वो जो हमारे केबल लेके गए होते हैं उनको उतारते हैं कि वो डैमेज हो चुके होते हैं, फिर उसका खर्चा अलग से हम पर आता है। तो हमने कहा कि इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा हम देख लें कि किस तरीके से ये केबल उठाए जा रहे हैं। अच्छा, अभी तो मेरे सामने जो केबल उठाए जा रहे हैं वो एक मशीनरी के ज़रिए, जिस मशीनरी का इस्तेमाल वहाँ पर किया जा रहा था, तो जिससे उठाए गए थे उसी से उतारे जा रहे हैं। फिलहाल तो ऐसा ही हो रहा है। तो इस वक्त मैं देखती हूँ कि ज़रा थोड़ा सा आज मौका मिला है तो ज़रा ये भी एक हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो केबल लाए जाते हैं इनको उतारा जा रहा होता है। तो ज़रा आपको भी कैमरे की आँख से हम लोग दिखा दें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर अभी हम लोग शकील शेख साहब से प्रोग्राम के आखिर में दोबारा से हम बात करेंगे और इस हवाले से भी ज़रा लगते हाथ बात करेंगे कि ये जो एक कंप्लेन आती है ये किस हद तक वैलिड है। अच्छा शकील साहब, कार्रवाई आप कर रहे हैं और इस वक्त खासी रौनक लग चुकी है इसके ऊपर, तो 3 थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अभी अभी ना आप जब ये कार्रवाई कर रहे थे इस दौरान में मेरी आवाम से बात हुई है, तो वहाँ पर जिस रोटी वाले का ये वाला जो जिसका ये वाला है ना, ये रोटी वाले का जो मौकफ है वो ये है कि अगर आप हमें थोड़ा सा पहले बता देते तो हम शायद अंदर कर देते। हम तो 3 फुट के उस फॉर्मूले पर रह गए कि 3 फुट आगे आप निकाल सकते हैं, 3 फुट तक निकाल सकते हैं, तो हमने 3 फुट ही निकाला हुआ था। आपको लगता है या 3 फुट आगे निकला हुआ था? नहीं, 3 फुट से ज़्यादा आगे निकला हुआ था। और अगर हम इनको पहले से बता देते हैं तो मतलब हम क्यों पहले से इनको बताएं? हम तो काम करना है, हमें ऑपरेशन करना है। अगर इनको पहले से बताएंगे तो हमारा काम करने का फ़ायदा है, तो सब चीज़ें पहले से अंदर कर देंगे। इन्होंने रोड पे निकाल के जो ट्रैफिक जाम किया हुआ है, हमें तो उस पर ऑपरेशन करना है, हमें उस पर काम करना है, हमें अदरवाइज ये तो नहीं कि उन पर डिपेंड करेंगे। मैंने उनको आपके जिस तरह आपने मुझे बताया है कि एक एफिडेविट साइन होगा एक ख़ास तरीके कार के तहत, मैंने उनको गाइड कर दिया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम कर तो देंगे और हम अंदर भी कर लेंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हम अंदर भी कर लेंगे, उसके बाद भी किसी ना किसी बहाने से हमें तंग किया जाए तो फिर क्या करें? जब अंदर होगा तो जब आप अंदर करेंगे तो आप किस बात से किस चीज़ के प्रेशर में आएंगे? कोई प्रेशर ही नहीं है ना फिर तो आपके ऊपर। जब आप लीगल हैं तो आप किस चीज़ का प्रेशर लेंगे? अच्छा शकील, आपस की बात है, हेडेक होती है ये जब कोई ऑपरेशन होता है तो आप पे प्रेशर वगैरह होता है कोई किसी किस्म का? प्रेशर वगैरह तो होता है, लेकिन लोग कोऑपरेट करते हैं जिनका प्रेशर होता है, वो भी हमारे साथ देखने का भी प्रेशर होता है, वो कोई अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। अच्छा, ये केबल के अलावा कुर्सियाँ भी हैं, तो ये बाहर निकली हुई कुर्सियाँ जो वगैरह पे होती हैं टी स्टॉल पे, ये कुर्सियाँ ये बिल्कुल रोड पे डाल के बैठ जाते हैं, इधर चाय चल रही है और इसकी उसमें लोग आगे मतलब जिसपे आप स्नैचिंग वगैरह भी हो रही है तो लोग इसकी आड़ में आके बैठ भी जाते हैं,
उसमें ये भी बड़ा सिस्टम चल रहा है, इस वजह से हमें होटल पे कार्रवाई करना ज़्यादा जरूरी हो गई है। अभी तो बहुत सारी कार्रवाई बाकी है क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे अभी बहुत सारी कार्रवाई बाकी है, लेकिन गाड़ी तो हो गई फिल, अब क्या किया जाएगा? ये गाड़ी खाली होगी, दोबारा आ जाएगी हमें। तो तकरीबन कितना देर लगेगी इसमें? 15 मिनट लगेंगे। सही है, यानी कि 15 मिनट के बाद ये उठाया जाहिर है कि जाते के साथ ही अभी जाएगी, फिर उसके बाद तकरीबन आधा घंटे का हम हिसाब लगा लेते हैं। आधे घंटे में अगर कुछ लोगों ने यहाँ पर कार्रवाई देखते हुए कुछ चीज़ें अंदर कर ली और जैसे ही आप कार्रवाई करके गए वो आप बाहर निकाल ली, फिर क्या होगा? तो हम उसके अगला ऑपरेशन उधर से स्टार्ट करेंगे, दोबारा जब करेंगे काम तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ हमने एंड किया था। क्या लग रहा है शकील, कितने दिन तक इसका असर रहेगा? जब तक हम लोग कोशिश करेंगे जब तक असर रहेगा, हम जब कोशिश छोड़ेंगे तो असर खत्म हो जाएगा। चले जनाब, ये अभी जा रही है KMC की गाड़ी क्योंकि ये अब इसमें अब एक गोली तक रखने की जगह नहीं बची है और ये पूरा फिल हो चुका है। ये जा रही है गाड़ी और अभी बहुत सारी जगहों पे कार्रवाई बाकी है और दोनों तरफ से जो है वो मुख्तलिफ किस्म की आरा सुनने में आ रही है। जो कार्रवाई हो रही है उसके डिफेंड में उसके डिफेंस में जो है वो AC साहब, ये असिस्टेंट डायरेक्टर साहब का ये कहना है कि ये जो कहते हैं कि हमें पहले से इत्तला दी जाती तो वो फिर कार्रवाई करने का फ़ायदा बकौल इनके कि वो नहीं होगा इस तरह से, क्योंकि हम कार्रवाई उस वक्त करते हैं जिस वक्त कोई खिलाफ कानून चीज़ हो रही होती है। अब जब आपको बताया जा चुका है कि 3 फुट तक आपने बाहर निकालना है, इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है, और वो अगर 3 फुट से आधा इंच भी बाहर निकला होगा तो हम कार्रवाई कर देंगे, तो दूसरी तरफ से ये मौके आ रहा है आवाम का जिनके ये केबल उठाए गए हैं, उनका ये कहना है कि भाई अगर आप हमें पहले गाइड कर देते तो हम अंदर कर लेते। अब जाहिर है कि हम तो आम आवाम हैं और हम लोग जो हैं बस ये चाहते हैं कि जिस वक्त हम रास्ते में जाएँ तो हमें रास्ता खाली मिले, खाली ना मिले तो कम से कम एक रिदम में चलता हुआ ट्रैफिक मिले, और वो उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि जब ये तमाम तर जगहें जो हैं जो कि जिसको आप ये कह लें कि उसको ओवरलैप किया जा चुका है, या फिर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है कि उसको एक तरीके से कब्ज़ा किया जा चुका होता है कि वहाँ पे ठेले वगैरह या फिर इस तरीके से केबल वगैरह बाहर निकलते तो ट्रैफिक के मामला तो बहुत ज़्यादा बिगड़ ही जाते हैं। साथ में जिस तरीके से अभी शेख साहब ने बताया है, शकील शेख साहब ने, कि इसकी आड़ में क्या होता है कि जब आप बाहर कुर्सियां और टेबल लगा के किसी कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बर्गर या फिर टी स्टॉल होता है तो वहां पर क्या होता है कि जो स्नैचर्स होते हैं ना वो भी इसकी आड़ लेके यहाँ पर बैठ जाते हैं और ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है, सच्ची बात तो ये है कि मैंने इतनी कार्रवाइयाँ अब कवर कर ली हैं और उसके नतीजे भी मैंने देख लिए हैं कि अभी भी बस मैं यही कहूँगी कि बस कार्रवाई हो गई है तो कोई इसका नतीजा भी कुछ अरसे तक हमें कम से कम देखने को मिले। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुर्शीद मुकर्रम साहब, डायरेक्टर ईस्ट एंटी इंक्रोचमेंट। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा खुर्शीद साहब, अभी ये शकील शेख साहब ने अभी ये जो कार्रवाई की है, हम लोग इनके साथ ही थे और हमने वो तमाम तर कार्रवाई होती हुई देखी, फिर उसके बाद हमने आवाम से भी बात की, फिर उन लोगों से भी बात की जो कि जिनका ये केबन वगैरह जो था वो जब्त किया जा रहा था। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो कार्रवाई हुई है आपकी नज़र में तसल्ली बख्श हुई है, दूरस्त नतज इसके नज़र आ रहे हैं आपको कुछ अरसे तक? देखें जी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जदी साहब और हमारे सीनियर डायरेक्टर इमरान राजपूत साहब की हिदायत पर ये मुस्तकिल कार्रवाइयाँ की जा रही हैं एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से जमशेद डिवीज़न में। जैसा कि ये एक माफिया है जिसने इंक्रोचमेंट की हुई है, पथारे नाजायज़ केबिन लगाए हुए हैं, तो हम उसके हवाले से सामान उठा रहे हैं और जब तक ये कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी जब तक ये हम इस शहर को इस इलाके को क्लियर नहीं कर देंगे। खुर्शीद साहब मुझे एक बात बताइएगा कि मैं यहाँ पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इसी वजह से यहाँ पर आई हूँ कि मैं ज़रा कुछ देखना चाहती थी। ये बताइए कि ये बिल्कुल जंग आलूद इसमें केबल जो है या लग रहा है कि बहुत अरसे पहले आपने उठाए थे, क्या इनका कोई दावेदार नहीं आया या फिर ये यहाँ पे है अभी तक और इस हालत में है, मतलब बिल्कुल मखदूश हालत में, क्या इसका क्या माजरा है? देखें, जब कोई सामान हम उठाते हैं तो उसका एफिडेविट लिया जाता है, उनको तंबीह की जाती है कि आइंदा आप नहीं लगाएंगे, और वो जब कानूनी कार्रवाई पूरी होती है तो छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब दोबारा वही चीज़ होती है और वो नहीं मानते तो उनका सामान जब्त कर लिया जाता है, जो इस वक्त आपको स्टोर में नज़र आ रहा है ये वही सामान है जो बिल्कुल लातादाद बार मुतद बार उनको कहा गया लेकिन उन्होंने अमल नहीं किया और उन्होंने वो गैर कानूनी तौर पर काम जाहिर किया जिसके से सामान जब्त कर लिया गया। ये बताइएगा कि अगर ये सामान फर्ज करें कि ये परमानेंट बेसिस पर
एज अ पनिशमेंट अगर जो है वो यहाँ पे रखा गया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसको थोड़ा सा रिपेयर करके जिन लोगों को इसकी ज़रूरत हो, जो मतलब कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं, जरा उनको हैंड ओवर कर दिया जाए? नहीं मैडम, ये तो हम अपने तौर पे ये पॉलिसी मैटर होता है, जिसकी अमानत होती है उसको हम जाहिर भाई इधर उधर नहीं कर सकते। अब ये पॉलिसी मैटर है, जब तक हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर या हमारे सीनियर डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, सामान मौजूद है, अगर कोई दावेदार आएगा या दोबारा, वो हो सकता है कि वो दोबारा आखिरी में अपील करे कोर्ट में या कहीं जाए, तो उसको फिर देखा जाता है। खुर्शी साहब, एफिडेविट का काफ़ी देर से मैं जिक्र सुन रही हूँ, उसके ऊपर वो उसका बस ये अगर लुबे लुबाब अगर पूछा जाए होता क्या है वैसे? एफिडेविट ये होता है कि उसमें बाकायदा वो इस बात को पाबंद किया जाता है कि आइंदा से हम यहाँ पर पिथारा जो हमने गैरकानूनी लगाया था या जो हमने इंक्रोचमेंट की हुई है उसको आइंदा हम नहीं करेंगे। शनाख्ती कार्ड जमा किया जाता है, उसका फाइन किया जाता है, उसमें बाकायदा चालान जमा किया जाता है और फिर उसको हम अपने सीनियर डॉक्टर साहब से अप्रूवल लेके फिर उसको हवाले कर दिया जाता है। एक कंप्लेन जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ मैं देखने के लिए, लेकिन मैंने अभी तक देखा है उसको बिल्कुल एक सही तरीके से उतारा गया है सामान को, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है जिनके ये केबल वगैरह उठाए जाते हैं वो ये कहते हैं कि जब हमारे पास वापस हम लेकर जाते हैं ना, तो खास उतारा इस बेदर्दी के साथ जाता है कि वो डैमेज हो जाते हैं, तो जिनके अगर कोई डैमेज होते हैं उतारने में ही उसमें, तो कोई उसको मतलब उसका कंपेंसेट किया जाता है या बस वो उसको भी हम सजा ही गर्दान ले तो ज़्यादा बेहतर है? आप सही कह रही हैं, हमारी कोशिश तो यही होती है कि उनको सामान बिल्कुल एज इट इज़ 100% जैसा फिट दिया जाए। अगर कोई 19-20 होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उनका नुकसान का अजाला कर दिया जाए। नुकसान का अजाला हो जाता है, ठीक है, सही है। तो जनाब ये आज हमने आपको शुरू से आखिर तक की कार्रवाई, आज हमने आपको आखिरी जब ये सामान उठाया गया तब से लेकर जब ये सामान यहाँ पर KMC के इस ऑफिस में आके रखा गया है तब तक हमने आपको हर चीज़ दिखाई है। आज हमने इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक सबसे बड़ा जो सवाल आता है और सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्शन आता है कि जो सामान लेके जाया जा रहा होता है पठानों को, जब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही होती है तो वो डैमेज हो जाता है, ये हो जाता है, हमने वो भी आपको दिखाया। तो इसका एक हमें बड़ा एक अच्छा पॉइंट हमें नज़र आया, वो ये आया कि अगर बकौल खुर्शीद साहब के, मुकर्रम साहब के अगर किसी केबन को डैमेज फर्ज करें कि उतारते वक्त वो हो जाए या लाते वक्त वो हो जाए तो हम उसको अजाला भी कर देते हैं। तो अब पूरा प्रोग्राम है आपके सामने, सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए, निज़ाम को चैलेंज ना किया जाए। आप निज़ाम को चैलेंज करेंगे आपको उसके नतीजे जो हैं वो फिर भुगतने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो एक ये एक तरीका है कि भाई आपको जो हदूद व कयूद आपको बता दी गई हैं आप उसको फॉलो करें, बजाय इसके कि आप किसी कार्रवाई के होने का और फिर एक वावेले का इंतज़ार करें। हमें भी अच्छा नहीं लगता और सच्ची बात है कि शायद आपको भी कार्रवाई करते हुए इतना अच्छा ना लगता हो, जाहिर है कि आप जिस जगह पर हैं आप बोलें या ना बोलें, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों के लिए भी कार्रवाई इतनी आसान नहीं होती है। तो ऐसे में दूसरा तो सवाल ये पैदा होता है कि या तो फिर कोई ऐसी जगह मुख्तस कर दी जाए जहाँ पर उनको बना दिया जाए, अब वो भी इन दोनों के हाथ में नहीं है, ये जो डायरेक्टर हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ये उनका नहीं, बल्कि ये है अपर लेवल का काम और उनके कानों तक कब तक आवाज़ हमारी जाती है कुछ पता नहीं है, लेकिन हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे कि कोई इसका मुस्तकिल हल चाहिए ना आपको, और आपको आप चाहते हैं कि इसके खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ करने की नौबत ना आए, तो इसके लिए कोई लाहे अमल आप मुनज़म तरीके से तैयार करें कि ताकि एक का रोज़गार चलता रहे, दूसरा अपना काम करता रहे, बजाय इसके कि सारा फोकस और सारी एनर्जी सारी फ्यूलिंग जो है वो कार्रवाइयों के ऊपर हो, कार्रवाई करने की नौबत ही ना सके, कोई ऐसा इंतज़ाम कोई ऐसा लाहे अमल तैयार किया जाए, ये करना है अपर लेवल ने। हमने तो सिर्फ आपके कानों तक ये बात पहुँचानी है। फिल वक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त चीहोटा कराची के आज के प्रोग्राम से, मुझे साइमा कबल को अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी टीम के साथ इजाज़त दीजिए अलाने के बाद।